फिलहाल शाम के तकरीबन 5:25 हो रहे हैं और हम मौजूद हैं सफदर हाशमी चौक पर, और यहाँ पर पुलिस की चौकसी आप देख सकते हैं, टहलदारी देख सकते हैं कि पूरे तरीके से पुलिस की भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर एक अनुभव हो सकता है। जो भी लोग आ जा रहे हैं उनको लेकिन चेक किया जा रहा है कि उनको पूछताछ किया जा रहा है कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर जवानों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो भी लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल की ताज़ा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं शहर के सफदर हाशमी चौक से। और आज अगर हम वेदर की बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो भारी गर्मी देखी जा रही है शहर सिलीगुड़ी में, तकरीबन 38-39 डिग्री का जो तापमान एक चला जा रहा है, बढ़े जा रहा है, उससे लोग कहीं ना कहीं पूरे तरीके से परेशान हो गए हैं। और अभी का अगर हम अभी की वेदर की बात करें तो थोड़ा सा सामान्य हुआ है, मौसम सुनहरा हुआ है और अभी शायद अनुभव ऐसा हो सकता है कि बरसात जो है वो होगी। और यहाँ की स्थिति दिखा रही, जिस तरीके से बंगाल में आज लॉकडाउन चल रहा है, अगस्त महीने का आज 5 तारीख है और पहला लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन पूरे तरीके से पालन होते हुए आपको नज़र आ ही रहा है। लेकिन पीछे की तरफ हम आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कुछ हो सकते यहीं के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक आध भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ यहीं के स्थानीय लोग जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस की चौकसी वो भी आप देखिए कि पुलिस लेकिन घूम घूम के देख भी रही है वेनस मोड़ पर। और जो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बीच लाइटों को लेकर के भी एक निर्देशिका जो है वो जारी हुई थी कि किस दिन लाइट रहेंगी नहीं रहेंगी, उस वो भी एक निर्देशिका जारी हुई थी, हमने आपको बताया भी था। और इलेक्ट्रिक के जो पोल लग रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ठीक जो ट्रैफिक पॉइंट है तो ये आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन पूरे तरीके से सफल भी होते हुए आपको नज़र आ रहा है। और इसी बीच लेकिन इलेक्ट्रिक की ये पोल भी लगाई जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस और जो बल है सीमा बल वो भी लेकिन हाथों में कहीं ना कहीं लाठियां लेकर के तैनात है। पुलिस की ज़बरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि चेकिंग, और जो भी लोग जहां से भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनको लेकिन पूछा जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है फिलहाल हाशमी चौक से। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस जो भी गाड़ी वाहन आ रही है जा रही है उनको लेकिन रोक के पूछ रही है कि आप कहां जा रहे हैं आ रहे हैं। ये स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं हाशमी चौक से, और यूं ही कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ पुलिस बल की एक कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन जो गश्त लग रही है चौकसी देख पा रहे हैं आप कि कोई भी यूं ही लॉकडाउन का भंग नहीं कर सकता, उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। और सफल होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको शहर में दिख रहा है कि लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा है वो पूरे तरीके से लॉकडाउन आपको सफल होते हुए भी नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं हाशमी चौक की यह ताज़ा तरीन स्थिति। शाम के तकरीबन 5:25 हो रहे हैं समय, और यहाँ से ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और शहर के अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है। साथ ही साथ आज अगर हम बात करें रामलला की जन्मभूमि की, भूमि पूजन की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं देखी गई कि सभी लोगों की आज फेसबुक या फिर कहे व्हाट्सएप, सभी सोशल मीडिया जो है वो आज पूरे तरीके से लेकिन राम जी के नाम से गूंज उठी है, और वो आप देख रहे हैं। और सभी लोग लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए, साथ ही साथ अगर हम बात करें शहर सिलीगुड़ी में तो हालांकि आज सभी कोई ने घरों पर सीधा प्रसारण देखा है भूमि पूजन का, किस तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है अपने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, हमने भी एसके लाइव के माध्यम से आप सभी को सीधा प्रसारण दिखाया। और इसके अलावा लेकिन अभी 5:30 वाले हैं और ठीक 1 घंटे बाद लेकिन देश में सभी जगहों से आह्वान किया गया है कि दिए जलाए और एक छोटी दीपावली, लेकिन दीपावली से ठीक पहले आज जिस तरीके से
राम जी आए थे वनवास में 14 साल बाद और वहाँ पर अयोध्या में, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी जगमग जगमग हो उठी थी दीप से, और ठीक उसी तरह लेकिन आज भी दिए जला करके लोग अयोध्या भूमि पूजन में मनाएंगे। और ऐसी ही कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो झंडे लगे हुए हैं, साथ ही आप ये भी देख सकते हैं और जगहों की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। सफदर हाशमी चौक से नेहा गुप्ता, SK Live।